नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू चैनल। मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन आयर भारत। आज एक बहुत समय से चलती फिरती लड़ाई का समाधान निकाल ही देते हैं और मैं सोच रहा हूँ इस बात पे आज रात को या कल रात को कभी भी एक बार म्यूचुअली डिसाइड करके लाइव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किसको कहाँ जाने का मन है, किसको कहाँ रहने का मन है, किसको कैसा देश चाहिए, है ना। बहुत समय से लड़ाई चल रही है कि बीच में फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे, जो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है कि फार्मर्स कम है, कौन कौन सी फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो लड़ाई ये चल रही है कि बीच में खालिस्तान की मांग शुरू हो चुकी थी छोटी छोटी, बहुत छोटे दायरे में। योगराज सिंह ने भी अपना रूप दिखा दिया। मुझे पता है बिना पैसा लिए वो व्यक्ति या कोई भी, ज़्यादातर व्यक्ति पैसा लेके ही काम करते हैं ऐसे भाषण, वरना आज तक साइलेंट, मौका मिला तो वायलेंट। तो ये जो खालिस्तान की मांग है और बहुत समय से, भले एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान और एक बांग्लादेश ऑलरेडी अलग हो चुके हैं भारत के इसी हिस्से से, उसके बाद भी भारत का एक बहुत बड़ा मुस्लिम ग्रुप है, एक कम्युनिटी ऐसी है मुसलमानों की, जो कहती है कि, क्योंकि कुछ लोग कहने आ जाएंगे नहीं हम तो नहीं मांग रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मांग रहे, लेकिन मांग तो रहे हैं, ये भी सच्चाई है। तो उनको चाहिए कि फिर से एक टुकड़ा काट के दे दिया जाए। मेरे YouTube के चैनल के किसी भी वीडियो में आप उठा के देख लेंगे, लगभग हर वीडियो में एक आध जगह ये मांग की गई है, भाई ऐसा करो, बहुत प्रॉब्लम है तो हमें एक अलग देश दे दो, अलग एक जगह दे दो, ठीक है, ये कहा जाता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों से बात करने के लिए। तो आपको खालिस्तान चाहिए तो भारत के पंजाब प्रांत से ही चाहिए, आपको इस्लामिक स्टेट चाहिए नया फिर से तो फिर से भारत का ही कोई हिस्सा काट के आपको चाहिए तो हैदराबाद या तो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। उधर आप चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी क्रिश्चियन या फिर इस्लामिक या जितनी भी जो अपीजमेंट चल रही है वहाँ पे, तो कन्वर्जन जितने चल रहे हैं उस चक्कर में, जितना लैंड ग्रैबिंग और फेक वोटर आईडी सब बना के जो एक आबादी खड़ी की जा रही है, एक वोट बैंक खड़ा किया जा रहा है, तो जो जिस तरीके से वो घातक निकलने वाला है उसका भी अंदाज़ा नहीं है कि बंगाल को भी काटने की पूरी प्लानिंग कभी ना कभी कोई ना कोई कर देगा। तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब आपको पूरा भारत मिल सकता है, जब आपको पूरा का पूरा भारत आपका हो सकता है, तो छोटा सा प्रांत लेने की क्या जरूरत है, बताता हूँ कैसे और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ अगर आप सहमत हैं, कोई और तर्क है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो भी शेयर करिएगा, ताकि पूरे भारत की डिमांड तो सबको है भाई, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके, कम से कम आप ही अपना बना लीजिए। जब एक अलग इस्लामिक कंट्री की बात छिड़ी तब ये कहा गया था कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते, और लिटरली मांग थी जब वोटिंग हुई थी तो मैक्सिमम मुस्लिम आबादी ने वोट किया था कि हाँ एक इस्लामिक कंट्री चाहिए, दो सभ्यताएँ, सभ्यता तो नहीं, एक ऐसा कल्चर, एक अरबी कल्चर, एक भारतीय कल्चर के साथ नहीं रह सकता, एक गाय को रोटी खिलाता है और एक गाय के साथ रोटी खाता है, दोनों में फर्क है। मैं भी सहमत हूँ, नहीं रहना चाहिए। एक सभ्यता कहती है कि गेस्ट इज आवर गॉड, अतिथि देवो भव। एक सभ्यता रोज दिन में 5 बार नमाज के टाइम में, अजान के टाइम में एक रट्टा जरूर लगाती है कि जो जो काफिर कौम है उस पर हमें फतेह हासिल करने के लिए, मतलब अल्लाह हमें उस पर फतेह हासिल कराए, ठीक। वो ये नारा भी लगाती है अजान के टाइम कि अल्लाह के अलावा तो और कोई पूजनीय ही नहीं, कंपैरिजन में भी नहीं है। एक सेकुलर कंट्री में आप एक अपने मजहब को एकदम सुपीरियर साबित करने में दिन में 5 बार लगे रहते हैं, लोगों के कान में दम कर देते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपकी उस वक्त की डिमांड सही थी, आपको एक अलग जगह चाहिए थी। सवाल नंबर एक, जब जगह अलग चाहिए थी तो इसी में से काट के क्यों चाहिए थी? आपको कभी भी जगह चाहिए होगी, भारत का एक टुकड़ा ही क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपको दर्द होता है तो उम्मा नजर आती है कि वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में दर्द हो रहा है, तो उम्मा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप प्रोटेस्ट करेंगे। तो जब जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो जो OIC है, क्या उनके और आपके बीच उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या उनको आपका दर्द नहीं दिखता? क्या वो ये नहीं कहते कि मुसलमान तकलीफ में तो हमारे देश में आ जाए, हम शरण देंगे? वो भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों की क्या इज्जत है उनकी नज़रों में, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कितना यूजलेस समझते हैं, वो भी जानते हैं। जस्ट बिकॉज आप भारतीय हैं थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है, क्योंकि आपको वहाँ पर हिंदू मुसलमान कहा जाता है,
क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप ओरिजिनल नहीं हैं, आप कन्वर्टेड हैं, पहली चीज। तो चलिए उस वक्त मान लिया कि आपने जगह ले ली। उस वक्त ये सोचा गया था कि, और अंबेडकर साहब ने भी सोचा था और एक थोड़े थोड़े टाइम पे नेहरू ने भी सोचा था, कई कई लोगों के ये थॉट प्रोसेस था कि चलो अब जा रहे हैं तो सब चले जाएंगे, ये देश हिंदुओं का, वो देश मुसलमानों का, ओके। पर ऐसा नहीं, इतना बड़ा प्रांत लेने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, जिसमें पंजाब का भी थोड़ा प्रांत था उस पर भी आएंगे, खालिस्तान वाले मुद्दे से जोड़ेंगे। तो जो रह गए, जान बूझ के रह गए और रह के कोई एहसान नहीं किया, लेकिन जताते एहसान जैसा है, वो रह इसलिए गए कि फिर से नया टुकड़ा किया जा सके। और अब आ जाते हैं खालिस्तान की मांग। सबको पता है कि खालिस्तान टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में पैदा की गई ताकि सिखों को हिंदुओं से अलग किया जा सके, ताकि सिखों को हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाया जा सके, जबकि हिंदू टर्मिनोलॉजी में सिख इंक्लूडेड होते हैं, उनको हम अलग नहीं मानते। तो उन कट्टरपंथियों ने ये सोचा कि वो सिख कौम जिसने हमेशा हिंदुओं की रक्षा की है, वो हिंदू जिन्होंने हमेशा सिखों की रक्षा की है, हम अगर उन्हें लड़ा देंगे तो जो एक ताकत है, जो संगठन है, वो टूट जाएगा। जो बंद मुट्ठी जितनी मजबूत होती है वो बिखर जाएगी, तोड़ देंगे, खालिस्तान बनाने की मांग कर दी। तो उन गधों ने, अगर इतना ही प्यार था खालिस्तान में, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पास भी तो इतना बड़ा प्रांत है पंजाब का, अपना ही दे देते हैं, बन जाएगा खालिस्तान। कि अरे वाह, इस मुसलमान, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान इतना दयालु है कि हमारे लिए टर्म भी याद किया और हमें इतना बड़ा प्रांत भी दे दिया अपने दिल में से काट के, बताओ। तब तो भाई समझ में आता है कि मुसलमान के लिए आप जान निछावर करें, क्योंकि उसने अपने इस्लामिक कंट्री में से आपको कुछ दे दिया जो कि ना के बराबर पॉसिबल है, और आज तक नहीं दिया और देगा भी नहीं। जो आइडियोलॉजी ही कैप्चर करने के लिए बनी है, हर जगह की जमीन, हर जगह की पावर, हर जगह की सत्ता, वो आपको कैसे कुछ दे सकती है, इतना दिमाग लगाई। तो आपको इस्लामिक कंट्री के नाम पे, आपको मेजॉरिटी के नाम पे जब भी कोई बंटवारा करना है, आपको इसी भारत में से करना है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, चाहे हैदराबाद चाहिए, चाहे पंजाब का प्रांत अलग करना हो खालिस्तान के नाम पे, सब कुछ इसी में से तोड़ना है। और भविष्य में लेने के बाद भी अगर 1% चांस अगर हम दे दें, ये जरूर, मतलब चांस दे दें, जमीन नहीं, आज के टाइम पे और भविष्य में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये जहन से निकाल लीजिए कि आपकी मांगें पूरी होंगी। लेकिन फिर भी अगर एक दो लोग भी बचे रह गए, उनमें फिर विद्रोह आप ही कराएंगे और उनसे ये कहलवाएंगे कि हमें फिर से, क्योंकि हम असुरक्षित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, हमें फिर से एक नया प्रांत चाहिए हमारे धार्मिक आधार पर, और भारत सेकुलर रहा नहीं। आपको जान के हैरानी होगी अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं कि भारत आज सेकुलर नहीं है अगर आपकी नज़र में, तो ये भी आपकी ही गलती है, क्योंकि आप ही चाहते थे कि हमें धार्मिक बेसिस पे एक नया नया प्रांत मिलता रहे और हमारे लिए वो इस्लामिक कंट्री हो, और ऑटोमेटिकली उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उस बाई प्रोडक्ट की वजह से, ये अगर ये होता है तो ये एंड प्रोडक्ट ये निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो चीज़ों को 50% में काटेंगे, बांटेंगे, तो अगर ये हिस्सा 50% है तो बचा हुआ भी तो 50% ही होगा ना, मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो यही होना चाहिए टेक्निकल ग्राउंड पे। तो अगर कोई हिस्सा धार्मिक आधार पे बट के अलग होता है और इस्लामिक स्टेट बनता है, तो बचा हुआ तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर होना चाहिए। तो हम तो हिंदू राष्ट्र 1947 से हुए, ठीक। तो अगर आपको इस बचे हुए हिंदू राष्ट्र में अभी तक कोई ऐसी प्रताड़ना नहीं मिली है, और अगर मिली भी है, तो आपसे सवाल नंबर दो, क्या जो OIC जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक कंट्रीज़ का, अरब वर्ल्ड का, जो सब कुछ है, क्या उनके और आपके बीच में उम्मा का कॉन्सेप्ट टूट चुका है? पहली चीज। चीज़ नंबर दो, इतने रोहिंग्या म्यांमार से भाग के आए शरण लेने के लिए, उनको अरब वर्ल्ड नहीं दिखा, उनको इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं दिखी, 56 है, नहीं दिखी, वहाँ शरण ले लें, नहीं दिखेगी। क्वेश्चन नंबर तीन, अगर भारत में किसी भी हिस्से में कोई भी मुसलमान प्रताड़ित होता है, तो क्या अरब वर्ल्ड या इस्लामिक वर्ल्ड की ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान है, हमारे यहाँ शरण ले सकता है किसी भी प्रताड़ना की वजह से? क्या उनकी नज़र में भारत या पाकिस्तान का या बांग्लादेश कहीं का भी मुसलमान, अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के अलावा, आपकी औकात कुत्ते के बराबर है? आपको नहीं पता, पता होना चाहिए कि वो आपको क्या समझते हैं, आपकी हैसियत क्या है। सवाल नंबर पाँच, क्या वो आपको एक कन्वर्टेड मुसलमान नहीं मानते, हिंदू मुसलमान नहीं मानते? क्या आप उनकी नज़रों में थर्ड क्वालिटी के मुसलमान नहीं हैं? आप ये कह सकते हैं कुरान में नहीं लिखा, लेकिन वो आपको मानते हैं, कुरान में बहुत चीज़ें नहीं लिखी हैं, लेकिन करते हैं आप लोग, सारा फ्रॉड करते हैं। अब एंड में आते हैं जो मैंने बात कही, कि
अगर आपको पूरा हिंदुस्तान मिल सकता है तो आपको छोटा सा प्रांत लेने की क्या जरूरत है। जैसे हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान हमारा पूरा हिंदुस्तान है, हर उस नागरिक के लिए, जब तक हम ये नहीं कहते कि हमें हमारे मजहबी बेसिस पे, धार्मिक बेसिस पे, रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी गाइडलाइंस पे या ग्राउंड पे एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, एक ना बाउंड्री हम डेवलप कर दें, तब तो हमारा वो लिमिटेड हिस्सा हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोच ही नहीं रखेंगे, ये मानसिकता ही नहीं रखेंगे, फ्रीली रोम करेंगे, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया उसको पालन करेंगे, सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज सब कुछ दी हुई है, तो हमें ज़रूरत नहीं है वो सोच पैदा करने की कि हमें एक छोटा हिस्सा चाहिए, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा हिस्सा है। तो हमारे पास जब पहले से ही बड़ा हिस्सा है, हम उस बड़े हिस्से को अपना घर मान सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपकी आइडियोलॉजी अलाउ नहीं करती, क्योंकि इस्लाम की ये हिस्ट्री रही है कि दुनिया के जिस हिस्से में वो फैला है, अगर तेजी से फैला है, सिर्फ इंटर भी हो गया है एज अ रेफ्यूजी, एज अ कैसे भी, सिर्फ इंटर भी हो गया है, तो वहाँ पे वहाँ की सभ्यता को उसने ख़त्म कर दिया है। चाहे इजिप्शियन, पारसी, ये वो तमाम ऐसी सभ्यताएँ हैं जहाँ पे आपका दाखिला हुआ है और वो ख़त्म हो गई भारत को छोड़ के। खैर, इस वीडियो में इतना ही। हो सकता है वीडियो आपको दो तीन क्लिप्स में अलग अलग देखने को मिले। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो चलिए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। क्या पता कब किसको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।